परेशान करने के लिए जो शक्ति इस्तेमाल करता है वो है। वो विलन रावण को जब पहली बार बलात्कार किया था उनको भगा के लेकर आया था उनको मतलब किडनैप करके लेकर आया था शूर्पणा को विधवा करने का काम रावण ने किया ठीक okay. है मंथरा कहती है तुम देखना आज तक तुम्हें इतना भाव मिलता था तो तुम कौशल्या के साथ कैसा व्यवहार करती थी अब जब वो कौशल्या राजमाता हो जाएगी तब वो क्या करेगी कोई भी मनुष्य अपनी माँ बेटी बहन और भाई की छोटे भाई की वाइफ बेटी और बहुत तुल्य हो गई, उस पर अगर कुदृष्टि डालता है वो अधर्म है और उसका दंड मृत्यु और केवल मृत्यु ही हो सकता है अमी मैम आपका अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है हमने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें आपने वैसी बातें बताई हैं जो कि टीवी में सीरियल्स में या फिर कई सारे किताबों में भी हम पढ़ते हैं नॉर्मली पढ़ते चले हैं मैं भी विद्या भारती स्कूल से पढ़ा हूँ तो वहाँ भी रामायण महाभारत सुनाई जाती है आपके अकॉर्डिंग मैंने जितना आपसे बातें करी हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इतिहास से अलग हो गई हैं तो ये इतिहास क्या है माइथोलॉजी क्या है इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप समझा दें जी नमस्ते आपको और आपके सारे दर्शकों को मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आ, हमारे जैसे इतिहास और माइथोलॉजी जनरली आप देखोगे तो जब महाभारत रामायण पुराण ये सब जो हमारे हैं उन सब को एक साथ जब इंग्लिश ट्रांसलेशन उनका होता है तो उसमें माइथोलॉजी ऐसा okay. कह देते हैं ठीक है अब हम उनको अलग अलग तो अगर हमारी ऋषि परम्परा आप देखो तो उसमें इतिहास इतिहास है पुराण पुराण है पुराणों को इतिहास नहीं कहा गया इतिहास को पुराण नहीं कहा गया वेदों को श्रुति शु, में कहा गया स्मृति में जो, जो जो सारे धर्म शास्त्र हैं दर्शन है इतिहास पुराण है वो सारे स्मृति में आ गए तो हमारे जो ऋषि थे वो बहुत क्लियर थे कि क्या क्या है है ना तो उन्होंने तो इतिहास कहा है महाभारत रामायण को अब वो हिस्ट्री क्यों नहीं कहा क्योंकि अगर हम डेटिंग वगैरह देखें तो जब अंग्रेज आए तो वो लोग बिब्लिकल थ्योरी थियोलॉजी मानते हैं कि बाइबल के अनुसार बाइबल के अनुसार जो दुनिया है उसका अमुक उसकी अमुक उम्र है okay. ठीक है कि इतने वर्षों पहले ही धरती की उत्पत्ति हुई है अब वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि इनकी जो संस्कृति है ये तो बहुत ही पुरानी है तो अगर उसे वो इतिहास मान ले तो उनका जो पूरी समझ है कि भाई धरती की उत्पत्ति इतने वर्षों पहले हुई वो सारी खत्म हो जाएगी ठीक है वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इसलिए वो हमें सत्य उसे वो हमें हिस्ट्री नहीं मान सकते इसीलिए वो सारा आर्यन इन्वेजन और माइथोलॉजी और इसकी okay. शुरुआत हुई पर अब इतिहास और माइथोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें क्या फर्क है uh, माइथोलॉजी का अर्थ है कि कोई भी जो लोग हैं कोई भी समाज है उसका उसकी बिलीफ सिस्टम उससे रिलेटेड लेजेंड्स जो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं ठीक okay. है कुछ सीख देने के लिए भी हो सकते हैं उस सब को माइथोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है वो झूठ भी हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ मतलब नॉट एग्जैक्टली झूठ लोग मानते हैं मान्यताएं हैं

पूर्वजों के जीवन से हमारा जीवन जीने के लिए सीख मिले ये इतिहास का उद्देश्य है और ये मैं हमेशा कहती हूँ जैसे आप 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 भी ये बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं मैनेजमेंट वगैरह उसमें केस स्टडीज़ होती हैं है ना केस स्टडीज़ क्या होती है कि लोगों के जीवन में कुछ घटना घटित हुई हो उसको वो लोग सिखाते हैं और उससे फिर जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो हम सीखते हैं है ना पर वो घटनाएं हुई होती है दे आर नॉट इमेजिनरी इसीलिए हम सही लेसंस उससे सीख सकते हैं Correct. तो इतिहास अगर देखें तो वो केस स्टडी है हमारे पूर्वजों के जीवन की जिससे हमें धर्म की समझ मिले धर्म अर्थ काम हो। कि जो हम त्रि, त्रि, त्रिवर्ग या पुरुषार्थ जैसे कहते हैं उसकी हमें समझ मिले जिससे हम हमारा जीवन अच्छे से गुजार पाए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ चार पुरुषार्थ है।, है पर मोक्ष का तो ऐसा ना कि मोक्ष तो हमारे हाथ में नहीं है ओके जीवन अगर आप जीना है तो धर्म अर्थ काम ये मेन है फिर मोक्ष तो हमारी इंडिविजुअल जर्नी है इंडिविजुअल हमारा मार्ग है मोक्ष की ओर जाने का इसलिए मैंने ये तीन का मेन कहा कि वो जो सीख लेनी है वो आप उससे लो वो इतिहास है अगर आप पुराण देखें अब ठीक है पुराण का अर्थ क्या कि जो और भी पुराना है ठीक है और पुराण में भी इतिहास का अंश है पर तो पुराण का मेन उद्देश्य भक्ति है ठीक okay. है आप सारा देखो आप स्कंद पुराण देख लो आप विष्णु पुराण देखो आप भगवत पुराण देख लो आप पुराण देख लो तो वो भगवानों से रिलेटेड है है ना तो मेन कथा जो है वो भगवान जिसे आप मानते हैं आपके इष्ट जिसे मानते हैं उनके जीवन से है मानने वालों के लिए वो इतिहास है नहीं मानने वालों के लिए वो एक लेजेंड है ठीक है उसको आप और हुआ अलग अलग लेवल्स पे जैसे हम कहते हैं ना आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक तो जो पुराण का जो टॉपिक है वो जनरली आधी दैविक लेवल पे होता है इतिहास का आधि दैविक तो होता ही है क्योंकि हम उनको अवतार मानते हैं श्री राम श्री कृष्ण को भी हम अवतार मानते हैं पर अधिकतर आधि भौतिक लेवल पे होता है जो हम हिस्ट्री कहते हैं इसीलिए जो पुराण है उनको कदाचित हम माइथोलॉजी में इंक्लूड कर सके बट रामायण महाभारत तो इतिहास और इतिहास ही है हिस्ट्री ही है इतिहास मतलब वो चीज जो एक्चुअल में हुई है सिंपल जो पहले हुआ है तो अम्मी मैम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आज के इस पॉडकास्ट का थीम हम रखेंगे विलन्स ऑफ महाभारत एंड विलनस ऑफ रामायण जी इन क्योंकि विलन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि विलन ही हीरो को बनाता है ठीक है <laughs> हमने श्री राम को बहुत जाना बहुत समझा हमारे आराध्य हैं श्री कृष्ण को बहुत जाना बहुत समझा और समझते रहेंगे उसका कोई अंत नहीं है आज के इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे हम इन विलन्स को जाने और ऐसी बातें जाने जो अभी तक हमने नहीं सुनी है सो आपका फेवरेट विलन कौन है सारे अधर्मी थे उसके फेवरेट कहाँ से हो सकते हैं पर फिर, फिर भी फिर भी सब बहुत चतुर थे देखिए हमारे में ना हम किसी को ऐसे विलेन मतलब पूर्णतः काला हीरो जैसे हम गॉड और डेविल ऐसे नहीं मानते हम ठीक है वो सारे हमारे ही लोग हैं उनका उनके जो गुण कर्म है उसके कारण वो अच्छे या बुरे बनते हैं उसके कारण वो धर्मी या अधर्मी बनते हैं है ना तो जो जिनको हम विलन मानते हैं आप देखिए वो सब के सब आप फिर वो इतिहास के ले लो या पुराण के ले लो बहुत accomplished थे बहुत वर्ष तपस्या Correct. करी शिवजी ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिले मिला। है ना और वो वरदान जब पावर आ चुका उसके पश्चात उन्होंने क्या किया उसके कारण वो लोग या तो अच्छे में आते हैं धर्म में आते हैं या अधर्म में आते हैं ठीक है इसलिए तपस्या तो उनकी भी पूर्ण थी शक्ति उनमें भी थी बट शक्ति जो है जैसे कृष्ण कहते हैं ना तीन प्रकार की होती है सात्विक राजसिक तामसिक बुद्धि तीन प्रकार की होती है सात्विक राजसिक तामसिक अगर बुद्धि भी है शक्ति भी है वो पर वो तमस के गुण से भरपूर है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो लोगों को परेशान करने में लोगों पर अत्याचार करने में आप ही भगवान हो ये मान लेने में उनको हम विलन मानते हैं और जो सात्विक जिनकी बुद्धि सात्विक है जिनके कर्म सात्विक है जिनकी ये शक्ति सात्विक है वो लोगों के भलाई के लिए कर करें कि, कि दू, दूसरों को परेशान करने के लिए जो शक्ति के के बुद्धिमान भी है सारे के सारे और इवन मुझे जहाँ तक तो याद आ रहा है रामचरित मानस में एक चौपाई है जो रावण कहता है शुरू नगा से कि खर दूषण मोही सम बलवंता तीन ही कुमारो बिन भगवंता ये खर दूषण मेरे समान बलवान थे इनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता ही नोज़ कि वो आ चुके हैं मेरा गेम होने वाला है बट चाहे हम रावण को ले लें चाहे हम कंस को ले लें चाहे हम हृणा कश्यप को ले लें इनके डिज़ायर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े बड़ेंगे विष्णु को हरा देंगे स्वर्ग अपने जेब में रख लेंगे और उस डिज़ायर के लिए ये तपस्या मेहनत इनको पता है कि रास्ता यहीं से होकर जाना है तो सबसे पहले तो अमर कर दो अमर नहीं हो रहे तो फिर यहाँ ना मरूँ वहाँ ना मरूँ ऐसे वैसे वरदान मानते हैं तो यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली तो है आपका डिज़ायर अगर बहुत बड़ा है लार्जर देन लाइफ है तो चाहे आप सुर हो असुर हो इंसान हो यक्षो हो चाहे यक्ष आपको मेहनत के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा वो तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी तो मैं इस तरह से इस पॉडकास्ट को करना चाहता हूँ थे, थे। कुछ चीजें तो उनके अंदर थी जिनसे कि हम कुछ तोड़ मरोड़ कर अपने लिए मतलब निकाल सकते हैं उनसे सीखना ये है कि शक्ति है हाँ हाँ, बुद्धि है फिर भी आपके कर्मों के कारण है ना आपके गुणों के कारण आपके कर्मों के कारण आपका पतन होगा वही बुद्धि और वही शक्ति को अगर आप और दिशा में डालते तो आपका और भला हो जाता जैसे हम रावण से शुरुआत करते हैं okay. रावण को जब हनुमान जी पहली बार देखते हैं ना उनके जब वो अशोक वाटिका जाते हैं सीता जी को ढूंढने फिर सीता जी को तो ढूंढ लिया फिर अशोक वाटिका का वो विध्वंस करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनको ऐसा है कि मुझे एक तो लंका की जो शक्ति है सेना शक्ति है उसका माप भाप लगाना है और रावण को मुझे देखना है एक बार रावण को देख के रावण को मुझे चेतावनी तो देनी है तो जब उनको पकड़ के लेकर जाता है इंद्र जी तो रावण के सामने जब वो प्रस्तुत होता है तो उसका जो और देख कर हनुमान जी कहते हैं अहो रूपम अहो सत्वम इसको देखो तो सही इसका रूप देखो इसका धैर्य देखो इसका व्यक्तित्व देखो इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर इसमें अधर्म न होता तो ये इंद्र के जैसे सभी लोगों पर कर राज करता पर मेन शब्द तो वही है ना पर इसके अधर्म के कारण इसका पतन होना निश्चित है है ना तो सब है पर अधर्म है अच्छा और फिर कृष्ण क्या कहते हैं कृष्ण को जब अर्जुन पूछता है गीता में कि लोग क्यों अधर्म करते हैं लोग पाप क्यों करते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव कि ये जो काम क्रोध आपने डिजायर की बात करी है ना कि जब डिजायर इतना स्ट्रांग हो जाए कि भाई आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो है ना आप सारा वैल्यू सिस्टम आपका एथिक्स आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो क्यों क्योंकि आपका डिजायर है डिजायर क्या है कि मैं सबसे महान सबसे महान बनने के लिए वो तपस्या करते हैं तपस्या में अमरत्व मानते हैं जब मांगते हैं जब अमरत्व नहीं मिलता तो वो क्या कहेंगे अच्छा इनसे जैसे रावण कहता है कि ठीक है लोगों से मुझे अगर देव गंधर्व ना हरा पाए तो मनुष्य क्या हरा पाएगा मनुष्य तो घास फूस बराबर है मेरे लिए तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकेगा इसलिए अब मैं अमर हो गया अब अमर हो गया तब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं देवतुल्य हूँ है ना तो वो पावर इज पॉइजन हमारे पॉलिटिक्स में किसी ने कहा था वो बात सही है पावर इज पॉइजन वही पावर को आप अच्छे से उपयोग उसका करो तो आप देश की शक्ल बदल सकते हो देश को विकास के राह पर ले जा सकते हो और उसी पावर को आप केवल अपने पूर्ता सीमित रखो कि मेरा बस पावर बढ़ता जाए सब लोग मुझे महान मानने लगे सब मुझे भगवान मानने लगे तो वो गलत दिशा में जाएगा रावण के साथ वही हुआ है रावण की कोई और ऐसी खास स्टोरी जो नॉर्मल हम लोग नहीं जानते हाँ ठीक है हम रावण को शिव भक्त मानते हैं तो आजकल एक बहुत बात चल रही है कि रावण जो है वो तो शिव भक्त था है ना उसने तो केवल सीता माँ का अपहरण किया था पर सीता माँ को हाथ तक नहीं लगाया हाँ। कि वो तो बहुत अच्छा था आजकल उसकी महिमा मंडन हो रही है रावण की ठीक है कि सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया वो तो शिव भक्त था और आ, हर दशहरा रामनवमी पे आ, और रक्षाबंधन पे एक मैसेज आता है वो मैसेज आता है कि अरे भाई हो तो रावण जैसा है ना कि रावण ने तो अपनी, अपनी बहन के... के लिए लंका का नाश भी होने दिया और वो तो फेमिनिस्ट था वो तो फेमिनिस्ट आइकन था क्योंकि सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया ठीक है रामायण में ऐसी कोई बात नहीं आती है रामायण में उसका कोई कॉन्सेंट या कोई भी फेमिनिज्म दिखता नहीं है सीता माँ वॉज नॉट द ओनली लेडी सीता केवल एक स्त्री नहीं थी जिसके जिसपे हाथ डाला था रावण ने रावण ने कई ही कितनी ही स्त्रियों को उनका बलात्कार किया था उनको भगा के लेकर आया था उनको मतलब किडनैप करके लेकर आया था कितनी सारी स्त्रियों को और तीन चार के तो नाम हमें मिलते हैं बाकी सारों का उल्लेख है ठीक है कि वो कितनी सारी बार ऐसा कर चुका है सीता माँ को हाथ नहीं लगाने का कारण उसके सर पे श्राप होता है पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा है जिसके साथ ऐसे ही बलात्कार किया आ, रावण ने पुंजिक स्थला ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ये कहानी है ठीक है अब रावण को जो वरदान मिला है वो भी तो ब्रह्मा जी से मिला है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर अगर फिर से तुम कैसी ऐसी स्त्री जो तुम्हें नहीं चाहती उस पर जबरदस्ती करोगे ठीक है उस पर जबरदस्ती करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा सर सौ टुकड़ों में टूट जाएगा तो इसीलिए रावण ने समय दिया है सीता सीतामा को इसलिए नहीं क्योंकि इज वेटिंग फॉर हर कंसेंट ऐसा नहीं था इनफैक्ट वो जब ले आया सीता सीतामा को तब वो पहले बोलता है कि मैं तुमको बारह महीनों का समय देता हूं अगर तुम स्वयं मेरे शयन पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ब्रेकफास्ट में खा लूंगा उसके बाद वो एंड में जब आ, जब हनुमान जी पहुंचे ऐसे करके है कि मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ी तुम तो तुमको मैं टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा ऐसा रावण है ठीक है वो सीतामा की कॉन्सर्ट वर्ट के लिए नहीं रुका है सुन के थोड़ा गुस्सा जैसी लग रही है कि हम माता सीता को कितना आराध्य मानते उनके खिलाफ और ऐसी चीजें हमारे सामने आती नहीं है हैं। तो क्या? जो हीरोस हम हैं, उनका महिमा मंडन करो कहीं ना कहीं और ये क्यों होता है क्योंकि हम सब हम बुराइयां तो हम सब में होती है कुछ ना कुछ काम लोभ मोह मद हो तो सब में होता है तो उसको क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हमको लगता है हाँ यार बेचारा ठीक है शिव भक्त था तो उनकी शिव भक्ति की कहानी हम सुनते हैं जो वाल्मीकि रामायण से आई है ठीक है शिवपुराण में भी उसका उल्लेख है पर जो मेन उसका जो कहानी है ना वो रा, रा, वाल्मीकि रामायण से आई है जिसमें वो शिवभक्त कैसे बना उसकी बात है तो आ, होता ऐसे है कि जब उसे वरदान मिल चुका है और उसे लग रहा है कि अब ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मिला और अब रावण को लग रहा है कि अब तो वो सर्वश्रेष्ठ तो वो ना जा जाके अलग अलग राजाओं को ललकार रहा है युद्ध के लिए किन्हीं किन्हीं को उसने हराया है किन्हीं किसी ने किन्हीं से वो हार चुका है पर उनके साथ फिर वो संधि कर ली ठीक है कि वो जो सहस्त्रबाहू कार्तवीर अर्जुन वगैरह उनके साथ संधि कर ली है वाली ने उसे हरा दिया था तो वाली के साथ भी संधि कर ली पर बहुतों को हराया ऐसे ही जब वो निकला था सबको चुनौती देते हुए तब वो कैलाश पहुंच जाता है अब कैलाश जब पहुंचता है तो पहले तो कुबेर को हराता है ठीक है कुबेर के साथ झगड़ा मोड़ लेता है उनको हराता है और फिर वो घूम रहा है कैलाश में तो नंदी जी कहते हैं कि तुम यहां नहीं आ सकते ये तो शिव जी का क्रीडा स्थल है तो तुम यहां नहीं आ सकते तुम यहाँ पाँव नहीं रख सकते तो रावण कहता है को आई एम शिव शिव कौन है शिव कहाँ के है मुझे कौन होते हो तुम रोकने वाले और वो भी शिव के लिए अब शिव तुम्हारे देखेंगे कि मैं कैसे यहां पर आ ही जाऊंगा तो वो कि मैं कैसे इस पर्वत को ही उठा लूंगा ठीक है कि तुम मुझे आने से रोक रहे हो मैं तो इस पर्वत को ही उठा लूंगा और वो कैलाश की चोटी को उठाने का प्रयत्न करता है ठीक है बट शिवजी तो शिवजी हैं तो शिवजी बस लीला में अपनी मस्ती में अपना एक जो अंगूठा है पैर का उसे दबा देते हैं धरती पर और उसके कारण रावण के जो हाथ है वो हमको कहा गया है कि वो दब जाते हैं इसके नीचे इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है hmm. बहुत ही जोर से इतना जोर जोर से वो रोता है चिल्लाता है कि दुनिया के जो लोग हैं विश्व के जो वो सारे जीव हैं वो डर जाते हैं और वो भी चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं ठीक है वो कई बार पता है रात को वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वैसे जोर जोर से तो उसके कारण उसका नाम रावण हुआ नहीं तो उसका नाम दशग्रीव होता था okay. तो तो फिर इवेंचुअली उसके कुछ मंत्री बोलते हैं कि अरे आप आपका एक ही छुटकारा है कि आप शिवजी की स्तुति करो तो फिर वो शिवजी को अपीस करने में लग जाता है और फिर शिवजी तो बोले हैं वो फिर मान जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा नाम भी तुम रावण के नाम से जाने उसने वही बनाई थी तो ये जो वो आ, उन्होंने बनाई थी कि नहीं इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कहीं okay. पर भी वाल्मीकि रामायण में या इवन शिव पुराण में शिव तांडव स्त्रोत्र नहीं है ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बाद में लिखा गया पर उसमें ऐसा है ना रावण रचित एंड में वो रावण यही रावण है या किसी और ने वो पेन नेम यूज करके यूज करा है उसमें डाला है हम ये नहीं जानते क्योंकि ये बहुत बाद में लिखा हुआ है okay. सेंचुरी वगैरह में लिखा हुआ है इवन जो छंद उसका है वो छंद का प्रयोग बहुत बाद में हुआ था तो वो रावण नहीं लिखा इसका कोई भी प्रूफ नहीं माना जाता जबकि बहुत लोग ये मानते हैं पर कोई भी लिखित कोई भी शास्त्र प्रूफ उसके लिए नहीं है इंटरेस्टिंग और फिर रावण शिव जी के लिए महल भी बनाता है उसके बाद तो वो शिवपुराण में घटना है कि नहीं फिर भी वो ले जाना चाहता है तो so, ये रामायण में मिलती है घटना रामायण में केवल इतना है ठीक है okay. रामायण में केवल इतना है कि और वो 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 शिव 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 भक्त 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 उसके उसके बाद बाद बन बन जाता जाता है है ये बात है पर उसके बाद भी अगर शिवपुराण की आप उनकी घटनाएं देखो ना तो वो एक वो ऑब्सेसिव प्रेमी नहीं होता हुँ. कि भाई आप नहीं मेरी बात मानोगे तो मैं ये कर दूंगा आप मेरी नहीं बात मानोगे तो हाँ सर काट दूंगा ये तो वो ऑब्सेशन है भक्ति से ज्यादा भक्ति क्या होता है भक्ति सरेंडर है भक्ति Correct. ये है कि आप समर्पण कर दो अपने आप को वो चाहते हैं वैसा आप करो अपनी बात उनसे जबरदस्ती मनवाओ ऐसा नहीं होता है है ना तो उसकी भक्ति जो है है वो भी तामसिक oh. महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है जो कृष्ण तो कहते हैं भक्ति में भी सात्विक राजसिक तामसिक है कि वो भक्ति भी तामसिक है जिसको आप ऐसे पागलों में जैसे ऑब्सेशन बना देते हो क्यों केवल अपने स्वार्थ के लिए ना क्योंकि मैं चाहता हूं शिवजी चाहे या ना चाहे? कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चाहता कहानी सुनाते समय का भी नाम लिया उसके बारे में क्या कहना है आपको हाँ तो जैसे मैं कह रही थी कि आप वो मैसेज आते हैं रक्षा बंधन के टाइम की भाई हो तो रावण जैसा है ना तो अब हम देखते हैं कि शूर्पणखा ने रावण को किस प्रकार बदला लेने के लिए उत्तेजित किया तो हमको शुभ की कथा तो मालूम है वो जब जनस्थान में श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वास कर रहे तब तो वो वहां घूम रही थी अच्छा वो जनस्थान में क्यों थी इसकी एक कथा है जनस्थान में खरदूषण है आपने जो भी वो जो पंक्ति बताई है ना तो दूषण जो है वो रावण के कजिन्स है जिनको रावण ने कहा है कि जनस्थान का जो एरिया है वो आप संभालो तो शूर्पणखा का वहां क्या काम तो शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिवा करके काल के आ, आ, जो ट्राइब था उसके एक विद्युत करके जो आ, प्रिंस रहे उनके साथ हुआ था। कभी तो रावण का काल कालकेयों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में विद्युत जिवा को रावण ने मारा इसलिए शूर्पणखा को विधवा करने का काम रावण ने किया ठीक okay. है बट चलो हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध में तो ये होता है ठीक है तो वो मैं ये नहीं कह रही कि उसने जानबूझ के अपनी बहन को विधवा करने के लिए किया युद्ध में हुआ पर जो भी हुआ उसके कारण बहन विधवा हो गई तो ऑब्वियसली कोई भी दुखी होगा तो उसका मन बहल जाए इसलिए शुर्पण को जनस्थान में उसी ने कहा कि भाई तुम वहां जाके रहो जनस्थान गया जनस्थान वो पंचवटी एरिया है में जब आ... जब आखिर में जहां से सीता सीतामा का अपहरण करा रावण ने वो जिस एरिया में रह रहे थे ना हाँ आजकल जो नासिक पंचवटी एरिया का वो वही एरिया है उस, उस एरिया में वो लोग रह रहे होते हैं तो वो जनस्थान दंडकारण्य वो सारा एरिया तब ये जो खर दूषण है रावण के जो राक्षस वो लोग के निगरानी में होता था तो घूमते घूमते शूर्पणखा देखती है श्री राम लक्ष्मण को और मोहित हो जाती है तो मोहित हो जाती है फिर हम जानते हैं कैसे सुंदर स्त्री बनकर वो उनके पास आती है और पहले श्री राम से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो आप मेरे से विवाह कर लो और स्वच्छंद हम घूमेंगे यहाँ पे तो श्री राम कहते हैं अरे मेरा तो विवाह हो गया है देखो मेरी भार्या भी साथ है तुम जाओ लक्ष्मण से पूछो है ना तो उनको थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं उस समय तो लक्ष्मण कहता है अरे मैं तो दास हूँ इनका तुम मेरे साथ रह के दासी क्यों बन जाना चाहती हो उससे अच्छा तुम उन्हीं के पास जाओ है ना तो श्रीराम और लक्ष्मण जब दोनों ही मना कर रहे हैं तो उसे लगता है कि ये जो स्त्री इनके साथ है ना सीता इसके कारण वो मुझे मना कर रहे हैं तो वो उसे कहती है कि अरे तुम ये विक, ये विरूपा विकृता कि ऐसी बदसूरत सी स्त्री के साथ क्या कर रहे हो कि सीता तो इतनी बदसूरत है तुम्हारे साथ इस स्त्री का ये तुम्हारे लायक नहीं है मैं तुम्हारे लायक हूँ वो श्रीराम को कहती है तुम मेरे साथ घूमो तो पर जब दोनों मना कर देते हैं तो उसे बुरा लगता है ऑब्वियसली और उसे लगता है इस स्त्री के कारण अगर मैं इसको मार दूंगी तो फिर ये दोनों मेरी बात मान लेंगे तो वो सीता जी पे अटैक करती है उनको मारने के लिए अटैक करती है अब जब सीता जी को प्राण हरने के जब प्रयत्न का हरने का जब प्रयत्न हुआ तब श्रीराम सीता जी को बचा लेते हैं और तभी वो कहते हैं इससे लक्ष्मण से कि अब तो इसे दंड मिलना चाहिए ये एक बात हो रही है वो अलग बात है पर अब सीता जी पे जब उसने जान का प्रहार किया है तब तो इसे दंड मिलना चाहिए तो इसको विरूपी तुम अर् इसको तुम अब विरूप विरूपा बना दो तो उसका नाक और कान काटा जाता है ठीक है तो कई बार लोग ये कहते हैं कि उसने तो केवल अपने प्रेम का इजहार किया इसलिए शुर्पणा और हम जो ये जो पैट्रियार्किकल समाज है अपना वो तो एक स्त्री को प्रेम का इजहार करने भी नहीं देती और देखो शुर्पणा के साथ क्या किया तो नहीं वो सिर्फ प्रेम का इजहार करने पे नहीं था सीता जी पर अटैक करने के लिए उसे दंड दिया गया था तो ये जब होता है तब शूर्पणखा सबसे पहले खरदूषण के पास जाती है और कहती है कि मुझे बदला चाहिए इन दोनों ने मेरे साथ ऐसे किया है मुझे मना कर दिया मेरे नाक कान काट दिए मुझे बदला चाहिए तो खरदूषण पहले चौदह राक्षसों को भेजते हैं अटैक करने के लिए श्री राम उनको मार देते हैं फिर वो कहते हैं अरे ये तो चौदह राक्षस से नहीं हुआ अब हम फुल फ्लजेड युद्ध करेंगे जो चौदह राक्षस इंक्लूडिंग खरदूषण वो सभी मिलकर अटैक करते हैं श्रीराम पर तो लक्ष्मण जी को कहते हैं श्री राम की आप संभालो सीता सीतामा को और मैं इनसे निपटता हूँ श्रीराम ने सिंगल हैंडेडली चौदह हजार राक्षसों का वध किया उन्होंने एक तो ये भी देखिए कि वो फिजिकली कितने स्ट्रांग थे शारीरिक उनकी जो शक्ति है और उनकी जो युद्ध कला है उनके जैसा कोई भी नहीं था इसीलिए वही गीता में अगेन कृष्ण कहते हैं ना कि रामो शस्त्र भ्रुतामहम जो शस्त्र उठाने वाले योद्धा है उसमें मैं राम हूँ तो ऐसे हैं वो एकदम बहुत ही कुशल है वो युद्ध में भी तो उन्होंने चौदह हज़ार को मार दिया अब ये देख के शुरबण एकदम चकित रह गई तो वो फिर लंका दौड़ी ठीक है अब जब वो लंका दौड़ी तो सबसे पहले तो उसने देखा रावण को कुछ पता ही नहीं है उसके राज्य में चल क्या रहा है उसे ये भी नहीं मालूम था कि चौदह उसी के लोग वहाँ उनका वो खात्मा हो गया ये भी उसे नहीं मालूम और वो अपनी मौज मस्ती में है उसकी बहुत सारी स्त्रियाँ हैं तो वो मौज मस्ती में था तो सबसे पहले तो वो दा के जाके डांटती है शुरपनखा उसे कि ऐसे कैसे आप वाह कि ऐसे कैसे आप आ, 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 आपको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है आपके जो दूत है जो स्पाइज है वो कहाँ पर है आपको एक राजा होने के नाते ये सब होना चाहिए फिर वो बताती है देखो आपको ये भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और वो दिखाती है कि मेरे नाक कान काट दिए तो फिर रावण पूछता है अच्छा क्या हुआ बताओ अच्छा अब शुरपड़खा क्या कहती है पता है शुरपड़खा कहती है मैं घूम रही थी तो घूमते घूमते मैंने देखा कि ये दो युवराज थे उनकी एक भारिया है वो भार्या कैसी है मैंने ना किसी किन्नरी किसी यक्षी किसी देवी किसी को नहीं देखा जो उसके जितनी सुंदर है अब आप देखिए श्री राम को वो क्या बोल रही थी कैसे विरूपा भार्या क्यों के साथ तुम क्या कर रहे हो यहाँ वो कह रही है कि वो इतनी सुंदर है कि इसके जितनी सुंदर स्त्री मैंने देखी ही नहीं है फिर कहती है उसका वो हर एक अंग का डिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि सीता जिनका आलिंगन कर ले वो तो देवतुल्य हो जाए ठीक है वो तो तुम्हारे अनुरूप भार्या है तव अनुरूप भार्या अस्ति ऐसे बोलती है कि वो तो तुम्हारे अनुरूप भार्या है और तुम ही उसके अनुरूप पति हो इसीलिए मैं तुम्हारी बहन उसे तुम्हारे लिए ले आने का प्रयत्न कर रही थी तो मैं जब तुम्हारे लिए सीता को ला रही थी तभी मेरे साथ लक्ष्मण ने ये कर दिया ओके। okay. अब ये जब सुना रावण ने तो उसके अंग अंग मत गए और वो चल दिया सीता माँ का अपहरण करने आप मुझे बताइए शूर्पणखा को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी अगर भाई हो तो रावण जैसा वाली बात होती तो उसका क्रूप चेहरा देखकर तुरंत गुस्सा आ, आ जाता पर ऐसा तो नहीं हुआ उसने ऐसा क्यों किया उसने रावण के मन में कामाशक्ति क्यों जगाई क्योंकि उसे पता था रावण तभी एक्ट करेगा एग्जैक्टली exactly. तो रावण ने शूर्पणखा की बात सीता जी का अपहरण शूर्पणखा का बदला लेने नहीं किया था रावण ने सीता जी का अपहरण स्वयं की काम आसक्ति को बुझाने के लिए किया था फिर वो जाता है मारीच के पास और मारीच को बोलता है कि हमें तुम मेरा साथ दो हमको मार, हमको सीता को ले आना है क्योंकि सीता किसकी भार्य है वो विध जो अधर्मी है वो रा, जो राम है वो तो चरित्रहीन है अधर्मी है उसके तो पिताजी ने भी उससे त्रस्त होकर निकाल दिया ऐसे बोलता है ठीक है मारीच बोलता है आपकी समझ एकदम गलत है रामो विग्रहवान धर्म वो कहते हैं आप राम को जाने ही नहीं राम तो धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक है और क्योंकि मारीच ने श्री राम जो कहानी है जो विश्वमित्र जी के समय मारीच जानता है राम को और वो कहता है आप राम से पंगा मतलब क्योंकि अगर आप राम से पंगा लोगे तो आपका राक्षस कोल जो है वो ही समाप्त हो जाएगा धरती पर से क्योंकि वो धर्म का प्रतीक है वो सबका ध्यान रखते हैं सबकी रक्षा करते हैं आप जो बोल रहे हो ना ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो ये भी कहता है कि दूषण ने आक्रमण किया था आराम पर तो वो तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो मारेंगे ही ना उनको तो उसमें भी उनकी क्या गलती है और वैसे भी पर परदार जो किसी और की पत्नी है उस पर तुम्हें नजर नहीं डालनी चाहिए रावण कहता है नथिंग डूइंग कुछ नहीं मालूम मुझे तुम मेरा साथ दोगे नहीं साथ दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा तुम्हारी कहता है ठीक है और फिर जाके वो जो सारा सीता जी के अपहरण की बात होती है तो इस प्रकार हुआ है वो अभी तो हम एकदम लास्ट विलन पे आ गए पर जहाँ तक तो याद किया जाए तो रामायण की पहली विलन तो मंथरा और कहके थे इनके बारे में कोई वर्णन मिलता है एक्चुअली मैं मंथरा को विलन नहीं मानती पर उसमें हुआ क्या वो देखते हैं कई बार लोग कहते हैं कि कई कई माने जान जान के जान बूझ श्री राम को वनवास दिलवाया क्योंकि उनको पता था कि उनको इतना बड़ा कार्य करना है जब वाल्मीकि रामायण में वो इस प्रकार नहीं आता है ठीक है वाल्मीकि रामायण में कैसे आता है कि अच्छा मंथरा कौन है मंथरा बचपन से कहकई के साथ है मंथरा ने कैकई को ब, ब, उनके बाल्यपन से बड़े होने तक वो उनके साथ है और फिर उन्हीं के साथ वो कहके से आई थी आ, उनके विवाह के पश्चात कहके के विवाह के पश्चात तो वो उनको कहके की बहुत आसक्ति है जैसे एक माँ को होता है ना उसी प्रकार की आसक्ति मंथरा को है पर एट द एंड ऑफ द डे वो तो एक देखा जाए तो एक दासी है उनकी जिसको माँ का सम्मान मिला है बट है तो दासी ठीक है तो हुआ ये कि जब उसे पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी पटरानी को क्यों नहीं क्योंकि कैकई कह जो है वो दशरथ की फेवरेट रानी है सुंदर है उम्र में छोटी है तो उनकी फेवरेट रानी है इतने हद तक कि कौशल्या माँ जब उनका और अपने स्वयं का और दशरथ जी के रिलेशन की बात करती है तो वो कहती है कि मुझे तो कहकई के जो दासियां हैं उससे भी कम सम्मान दिया है दशरथ जी ने क्यों क्योंकि उनका जो प्रेम है भाव है सारा ही कहकई में है और कहके ये जानती है कि कहकई के लिए दशर दशरथ को बहुत भाव है तो मंथरा कहती है प्रेम तुम्हें दिखाते हैं आते तुम्हारे पास है पर देखो जब ये क्षण आया कि राज्याभिषेक करना है तो कौशल्या का काम कर दिया तो वो ये कह के भड़काती है तो पहले तो कहके कहती है नहीं नहीं श्री राम तो बहुत अच्छे हैं मैं तो उनको भरत जितना ही प्रेम करती हूँ इसलिए मैं तो खुश हूँ कि उन्हें राजा बना दिया गया कह कही कहती है तेरी तो अक्कल ही तुझे तो अक्कल ही नहीं है तू जानती नहीं है कि श्रीराम जो है उनको सबसे ज्यादा डर ही भरत से है वो लक्ष्मण तो उनके साथ साथ होता है शत्रुघ्न तो बहुत छोटा है इसलिए भरत से ही उन्हें डर है और भरत तो यहाँ रहे भी नहीं है कह क ही रहे हैं तो उनको तो राज्य से भी वो बाहर निकाल देंगे तुम्हारी भी कोई ये प्रतिष्ठा नहीं रहेगी वगैरह वगैरह तभी भी कह कही सुनती नहीं है तभी भी उसे है कि नहीं नहीं श्रीराम तो ऐसे नहीं कर सकते फिर मंथरा कुछ कहती है मंथरा कहती है तुम देखना आज तक तुम्हें इतना भाव मिलता था तो तुम कौशल्या के साथ कैसा व्यवहार करती थी एकदम मद में भरके अहंकार में भर के तुम उसका इंसल्ट करती थी अब जब वो कौशल्या आ, राजा की माँ राज राजमाता हो जाएगी तब वो क्या करेगी अच्छा अब हम जब किसी और को जज करते हैं ना तो हमारे वैल्यूज के अनुसार करते हैं ये सुनते ही कैकई कह की बुद्धि जो है ना वो विकृत हो जाती है क्योंकि उसे लगता है हाँ यार मैं तो कैसे कर रही हूँ क्यों क्योंकि मुझे राजा भाव देते हैं तो मैं तो अपनी कोई भी सौतन को भाव नहीं देती मैं उनका इंसल्ट करती हूँ ऑब्वियसली अब तो उनको बदला लेने का अवसर मिल गया ये उससे नहीं सहा जाता और उसका जो मन जो अब तक ये कि नहीं नहीं राम तो अच्छे हैं वो तुरंत बदल जाता है और वो फिर जो हुआ हम जानते हैं कि दशरथ को कहती है कि कुछ भी हो जाए रामस्य अण्य गमनम भरत से अभिषेचनम भरत का अभिषेक और राम को अरण्य आप भेज दो तो ये वहां से फिर वो क्रोधागार वाली और बात होती है और फिर तो हम जानते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती भिजवाया ही भिजवाया कि भाई तुम जल्दी से निकलो बात बात कुछ नहीं करनी है जल्दी से निकलो तो ये रोल कई कई माँ का रहा है अब क्या वो पूर्णतः विलन विलन है रावण के जैसे नहीं क्या वो लोगों का अत्याचार कर रहे हैं ये कोई बात नहीं है पर वही बात है जिसमें जो मैं पहले कह रही थी कि हम क्यों कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनमें क्या आ गया अहंकार तो था और वो मात्सर्य भाव जलसी और कि भाई स्वार्थ स्वार्थ लोभ है ना ये आ गया तो ये जब आ जाता है फिर वो क्षणिक ही क्यों ना हो उस क्षण में जब हम निर्णय लेते हैं तो पतन तो होना ही है

इनफैक्ट एंड में जब वो युद्ध जीत जाते हैं तो कहा जाता है कि दशरथ उनको जो इंद्र है वो दशरथ वगैरह दिखाते हैं और दशरथ जी से भी वो वही कहते हैं कि आप भी माँ के लिए कोई कोई बुरा बुरा भाव भाव मत तो हाँ। तो उनके मन में कोई बुरा भाव नहीं है तो हो भी सकता है उन्होंने छुआ बट ये डायरेक्टली नहीं दिया तो दीज क्रिएटेड लिबर्टीज आर फाइन क्योंकि ये जो श्रीराम का व्यक्तित्व है उससे अलाइंड है तो उसके विषय में तो पर ऐसा कुछ है नहीं एक और बचता है हमारे रामायण का वो है बाली हाँ अच्छा वाली को वाली भी कहा जाता है तो मैंने किसी पॉडकास्ट में बात की थी अरे तुम्हारा ज्ञान समझ गया सूर्य को ग्रह बोला उनको ये वाली बोल रही है, ऐसे तो नाम भी नहीं पता कि ज्योतिष में सूर्य को ग्रह की उपमा दी जाती है हो जाता है चलो तो मैं कह रही हूँ कि वो वाली बाली दोनों ही होता है संस्कृत में वाली ये मेरे लिखा साथ भी गया अच्छा अब वाली का एक वाली के साथ क्या हुआ है ये बेसिकली हम जानते हैं कि वाली और सुग्रीव जो है वो भाई हैं वानर जो ट्राइब है उनके वो राजा है वाली बड़ा भाई है सुग्रीव छोटा भाई है और उनके भी अच्छा प्रेम होता है एक इंसिडेंट होने तक वो इंसिडेंट में ऐसा हुआ है कि एक राक्षस जो एक असुर है वो चैलेंज करता है वाली को लड़ाई के लिए और वाली उसके पीछे पीछे भागता है एक केव के अंदर चला जाता है जब सुग्रीव भी उनके साथ है सुग्रीव भी जाते हैं उनकी रक्षा के लिए पर एट सम पॉइंट बहुत सारे दिनों तक जब वाली बाहर नहीं निकलते तो सुग्रीव को लगता है कि ये मर गए और ये वापस आ जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो लोग जबरदस्ती कहते हैं कि अब आप राजा बन जाओ फिर जब वाली वापस आता है तो उसे लगता है कि जानबूझकर सुग्रीव ने ये सारा खेल रचा है और वो सुग्रीव को तो बाहर फेंक ही देता है और उसका उसका उसकी जान जीवन लेने का प्रयत्न करता है उसको मारने का प्रयत्न करता है साथ साथ सुग्रीव की जो पत्नी है उसको भी वो छीन लेता है अच्छा अब कई लोग कहते हैं बट सुग्रीव ने भी जो आ, वाली की पत्नी है तारा उससे विवाह कर लिया था जब सु जब वाली नहीं था ये बात सही है क्योंकि अगर आप उनका समाज देखो वानर का समाज इनफैक्ट हमारे में भी काफ़ी समाजों में होता था पहले कि अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाए और अगर बड़े भाई की पत्नी की सम्मति हो तो छोटे भाई के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है क्यों क्योंकि बच्चे बीवी यहाँ सब सब प्रोटेक्ट हो जाए ना उनकी रक्षा हो जाए उनको संभाल लिया जाए तो सुग्रीव ने कोई जबरदस्ती तारा के साथ विवाह नहीं किया था ठीक है वो सम्मति के साथ हुआ था अच्छे भाव से हुआ था इस केस में क्या हुआ वाली ने गुस्से में आकर सुग्रीव के जीवित रहते रूमा को छीन लिया था और रूमा को वायोलेट किया था ठीक है और वाली को तो भगा दिया था और वाली वो वापस किचकिन था जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि जब भी अगर वो जाता तो वाली उनको मार देता इस कारण सुग्रीव भटक रहे थे और वो एक पर्वत पे जाकर ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे थे जहाँ वाली जा नहीं सकता था उनको श्राप लगा था अच्छा अब जब श्री राम और सुग्रीव की मैत्री होती है तब दोनों कहते हैं कि हम तो सम दुखिया रहे हैं क्योंकि हम दोनों की पत्नियों को कोई ना कोई अपहरण करके लेकर गया है उनके मर्जी के विरुद्ध है ना और दोनों को ही अपने राज्य से भी निष्कासित कर दिया गया है तो उसमें उनकी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं सबसे पहला क्या है कार्य कि सुग्रीव को अपना राज्य और अपनी पत्नी वापस मिले फिर सुग्रीव सीता जी को ढूंढने में श्री राम की मदद करने वाला था तो जब वाली को मारने की बात आई तो कैसे हुआ कि श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम जाके उसे चैलेंज करो और मैं दूर से जंगल से उसको मार दूंगा इस तरीके का उनका बात थी फिर भी नो कि एक बार प्रयत्न होता है नहीं होता है फिर दूसरी बार में वो सुग्री वाली को मार देते हैं अब लोग ये कहते हैं कि श्रीराम ने जो दूर से पीछे से वाली को मारा वो अधर्म था युद्ध के नियमों के विरुद्ध था इसीलिए वो गलत है और इसीलिए श्रीराम जो है वो कसूरवार है ठीक है उन्होंने अधर्म किया है और वो कसूरवार है ये कहा जाता है इसलिए फिर वो कहेंगे इसीलिए फिर अगले जन्म में जब कृष्ण बने तो उनको वो जो एक अभीर है उसने मार दिया विव्याध ने उनको मार दिया जब उनका ध्यान नहीं था है ना तो वो उस कर्म का दंड मिला ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो धर्म था या अधर्म ये प्रश्न स्वयं वाली श्री राम से करता है और वो ऐसे करता है वाली कहता है मुझे तो लगा था आप श्री राम आपके विषय में जो मैंने सुना था आप मुझे मैंने सुना था कि आप तपस्वी हैं धर्म धर्म युक्त आपका व्यवहार होता है पर आप तो तपस्वी के रूप में अधर्म ही निकले मेरा तो आपसे कोई कोई कभी मेरी तो शत्रुता आपसे कभी थी नहीं ना ही मैंने अयोध्या में कुछ कभी गलत किया है और अगर आपको सहायता चाहिए थी सीता को ढूंढने में तो आप मेरे पास आते रावण को तो मैंने मैं भाई मैं आपको रात को मतलब एक दिन में उसे उठा के ले आता रावण को आपके सामने दे देता तो आपने जो किया ये एकदम गलत है आप स्वयं को धर्म, धर्म का रक्षक मानते हैं पर आप तो अधर्मी हैं। हैं, उसे कहते है, धर्म अधर्म तुम क्या धर्म अधर्म की बात कर रहे हो? अगर तुम धर्म अधर्म जानते तो तुम राज धर्म क्या है ये भी जानते पर तुम्हारा मन जो है वो तो हमेशा ये कामाशक्ति में ही होता था अहंकार में ही होता था इसलिए तुम धर्म को जान ही ना पाए और क्योंकि तुम धर्म को जान नहीं पाए हो इसलिए तुम मेरे कार्य में दोष देख रहे हो फिर उसे वो बहुत सारी बात कहते हैं उसमें वो एक बात कहते हैं वो कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि कहीं पर भी अगर अधर्म हो रहा हो रहा हो अन्याय हो रहा हो तो राजा को उस अन्यायी अधर्मी को दंड देना चाहिए और वो अधर्म अन्याय को बंद करना चाहिए हम अयोध्या के जो राजा हैं वो चक्रवर्ती राजा है और ये सारा जो है वो हम हमारे अंडर आता है तो कहीं पर भी अगर अधर्म हो और हमसे अगर लोग सहायता मांगे तो हमको वो सहायता देनी ही पड़ेगी फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा जो अधर्म है ना वो मैं तुम्हें बताता हूँ बता तुम्हें पता होना चाहिए एक राजा होने के नाते पर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा अधर्म क्या है वो कहते हैं कोई भी मनुष्य अपनी माँ बेटी बहन और भाई की छोटे भाई की वाइफ जो तुल्य हो गई बहन तुल्य हो गई बेटी और बहू तुल्य हो गई उस पर अगर कुदृष्टि डालता है उस पर अगर हाथ डालता है तो उसका दंड धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल मृत्यु है तुमने अपने छोटे भाई की वाइफ छोटे भाई के जीवित होते उस वाइफ के विरुद्ध मर्जी के विरुद्ध तुमने जो उस पर हाथ डाला है वो अधर्म है और उसका दंड मृत्यु और केवल मृत्यु ही हो सकता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था मैं तुमको दंड दे रहा था इसलिए तुम मेरे साथ ये वाक चाप ये मतलब मेरे साथ ये आर्ग्यूमेंट्स मत करो एक्सेप्ट करो जो तुम्हें मिला है क्योंकि अगर तुम दंड को एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारा पाप का से तुम छूट छूट जाओगे श्रीराम क्लियरली कह रहे हैं उन्होंने क्यों मारा है और वो ये भी क्लियरली कह रहे हैं कि वो अधर्म नहीं है वो उनका कर्तव्य था जो उन्होंने निभाया है ठीक है और आप देखो हम श्री राम को पैट्रियार्किकल और ऐसे सब कहते हैं बट एक नारी के सम्मान के लिए उन्होंने जो किया है वो किया है कि किसी की भी वापस जरूरत ना हो कि एक स्त्री के विरुद्ध इस तरीके से उसे वायोलेट किया जाए राइट तो, तो पर और ये मैं जो मैं जो भी कुछ कह रही हूँ ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण से ही कह रही हूँ लोग जाके चेक कर सकते हैं ओके तो अमीज ये काफ़ी कुछ आपने बताया विलनस ऑफ रामायण में मेरे ख्याल से रामायण में बहुत ज़्यादा विलन नहीं है ठीक है आ, लेकिन असली विलन महाभारत में मिलते हैं तो विलन्स ऑफ रामायण का एपिसोड हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं